हेलो, गुड मॉर्निंग। हमारी लाइव क्लास शुरू हो गई है और ये मैम बता रही हैं एंकल वेट बांधने हैं जिनको चलना मुश्किल है, मतलब टाइम नहीं है, ऑफिस चले जाते हैं तो अंदर से बांध के चले जाओ। बस ये पहना है तो आपने हाफ हाफ केजी का वेट पहना हुआ है, तो पैर हिला रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, इसके दिखाना बंद कर, जैसे आप साइड वाली एक्सरसाइज कर रहे हो, यहाँ के करो, साइड वाली एक्सरसाइज कर रहे हो, पैर उठा रहे हो तो आप वजन उठा रहे हो, और पैर उठाने का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर किसी को ये डर लग रहा है कि एक्सरसाइज करने से कुछ हो जाएगा, पैर में बांध दो, हाथ में बांध लो, ये चार खरीद लो आधा आधा किलो के, आ जाओ पैर में बांध लो, कोई नहीं, आ जाओ। इसको बांध के जब हम करेंगे तो हमारी एक आधा किलो का सिर्फ, कोई इसमें ज़्यादा नहीं है, आपको करते वक्त तो लगेगा भी नहीं कि कुछ कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट डे लगेगा कि आज कुछ भारी किया है हमने, ठीक है। हाँ, ये अब हम बता रहे हैं लेवल वन एक्सरसाइज। हाँ, ये आपकी एक पैर की वॉकिंग हो रही है, जितना वॉकिंग का फायदा उसका आधा फायदा हो रहा है, तो रात को नींद खुल जाए, स्पेशली बहुत अच्छी नींद आ जाती है। हाथ आगे रख लो, आगे, हाँ ऐसे, हाँ ऐसे रख लो, बेशक तकिए पे सो जाओ, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आपने, लेकिन ऐसे ठीक लगता है ना, तो उठने से नींद उठ गए बिल्कुल फिर भी नींद नहीं आती है ना, और लेट गए भी सोचने लगे तब भी नहीं आती। आप एक्सरसाइज करो, काउंटिंग करो, कब सो गए सुबह पता चलेगा, अरे मैं सो गई। हाँ, अकड़ा के नहीं, धीरे धीरे, मतलब ढीला छोड़ के, घुटना ढीला, हाँ। आप सिर नीचे रख दो, एक और तकिया देना इसके, जैसे हम कहते हैं, हाँ मतलब सो जाएगी, हाथ भी हटा लेगी वहाँ से, ताकि जब सोए पता ही ना चले कब पैर उठाया नहीं आपने। हाँ, इस पे सिर रख लो, तीन तकिए रखने पड़ते हैं एक कंधे के लिए, हाँ ऐसे मैं कह रही हूँ, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, वैरायटी बता रही हूँ। सांस भरो, ठीक है, ठीक थी वो, ठीक थी वो, गर्दन बाहर गिराते हैं, लेकिन अभी तो रात के टाइम की बात बता रहे हैं, जैसे नींद खुल गई ना, बहुत आजकल सबको प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती और सुबह उठा नहीं जाता, ये भी नहीं है, सो जाओ, तुम सो जाओ, चादर भी दे दो, एक शॉल दे दो इसका, ये शॉल दे दो, मान लो इसने ओढ़ा हुआ है, हाँ हाँ ये आपने ओढ़ा हुआ है, और ये सारी ज़िंदगी मम्मियों को भी सिखा देना, मान लो ये शॉल इसने ओढ़ा हुआ है, ऐसे लंबा करके दो ना, जैसे ये पलंग छोटा है तब भी, हाँ ठीक है, ये आप सो रहे हो, आपने ये हाथ ढीला छोड़ो, जैसे सो, हाथ आगे रख लो, ढीला छोड़ दो, हाँ लेवल टू भी बताऊंगी, अभी कोई कह रहे लेवल वन, ये लेवल वन है, अगर हम इसे कम कर रहे हैं तो लेवल वन है, जब ज़्यादा करेंगे लेवल टू हो जाएगा। ये आप 3 मंथ्स पे 30 डिग्री, 2 मंथ्स पे 20 डिग्री, ऐसे समझ लो, कोई रूल नहीं होता, ऐसी बना दिए हैं समझाने के लिए, क्योंकि कई लोग एकदम एग्जैक्ट चाहते हैं, एग्जैक्ट कुछ नहीं है, एक्सरसाइज करनी है बस, आपकी जितनी कैपेसिटी है उतनी करनी है, आराम से जितना हो रहा है, कुछ भी एक्स्ट्रा ये नहीं कि हिम्मत करनी है, बहादुरी दिखानी है, नॉर्मली बस पड़े नहीं रहना, अब थोड़ा हम और इम्प्रूव करेंगे। इसको रेस्ट ही कहते हैं। अब ये 44th मंथ में 40 डिग्री, 5 मंथ में 50 डिग्री, पता है ना डिग्री क्या होते हैं, 90 डिग्री कहाँ होता है, पूरा ऊपर हो जाएगा ना, दो लाइनें ऐसे होते हैं तो 90 डिग्री, इसको मैं ऐसे बनाती हूँ, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ पर 50 डिग्री, यहाँ है 30 डिग्री, यहाँ ऐसे, धीरे धीरे बढ़ाओ, जब भी शुरू करोगे, चाहे आपने 9th मंथ में शुरू करी तब भी पहले धीरे धीरे करना, नहीं तो यहाँ पे दर्द हो जाता है, खींच जाता है ये जगह, ठीक है। ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, लेटे लेटे रजाई के अंदर, जिसका नहीं हो रहा उसके लिए बता दिया, अगर नहीं हो रहा और 9th मंथ आ गया है, 90 डिग्री नहीं हो रहा, तो ऐसे खींच के करना है, दूसरा जना करा सकता है, आप उधर बैठ के करा दो। और ये है, इसमें ध्यान रखना है कि आपका सर भी दीवार से लगे, एड़ी भी दीवार से लगे, एक लाइन में हो, टेढ़े हो जाओगे तो हो ही जाएगा, ये दीवार इसको कोशिश
वॉल के साथ ही आर्क बनानी है आपने। हाँ, अब घर में वॉल नहीं होगी, लेकिन अपने को इमेजिन करना है कि हम एक ही लाइन में हैं, ठीक है। उठना कैसे? हाँ, हाथ पे जोर देके उठना है बस। अब बटरफ्लाई कर लो। पहले तो आपने ऐसे किया, लेटे लेटे कर लिया, अब उठ गए, नींद खुल गई, तो बटरफ्लाई कर लो। ये बटरफ्लाई में एक पीछे से बंदा दबाए, दूसरा जना दबाए, यहाँ पे सिखाना, यहाँ बैठो आगे आप, और पीछे तुम उस पर बैठ के दबाओ इसके। ये अगर कोई खुद नहीं कर पाता है तो वो बीन बैग खींच लो पीछे, पीछे दूसरा जना बैठ के बटरफ्लाई करा सकता है, अगर आपसे खुद से नहीं हो रही। अब जैसे नीचे लग नहीं रहा तुम्हारा ना, अपने पैरों से करा लो। कराने वाली की इसके ऊपर रखो, घुटने के ऊपर। हाँ, ये दबाओ, इसको दबाओ अच्छे से। ये तो ऊंचाई पे नहीं है ना, अगर चेयर पे हो गए ना आप, चेयर पे हो गए तो आपका वजन पड़ेगा पूरा। हाँ हाँ, ऐसे दबा दो हाथ से, हाथ से, और झटके से नहीं, धीरे धीरे। हाँ, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें क्या हुआ कि अब हमारी पेल्विस दिखाना, पेल्विस के ये दो तरह की तरफ की जो पेल्विस जा रही है, ये फाइबर बीच में, ये दो तरफ की पेल्विस जा रही है, बोन जा रही है ना, दोनों तरफ की आगे से जुड़ती है, तो ये स्टिफ हो जाती है क्योंकि हमने कभी खोला ही नहीं। तो जब ये वाली एक्सरसाइज की तो लोअर एंड इसका खिंच गया, लोअर हाफ खिंच गया, और जब ये बटरफ्लाई की तो अपर हाफ खिंच गया। ये वाला ऐसे मैंने बनाया, ये दोनों बोन है दोनों साइड की, तो जब हमने ये लेट के करी तो हमारा ये नीचे वाला हिस्सा खिंच गया, अब जब हमने बटरफ्लाई की तो ऊपर वाला हिस्सा खिंच गया। तो ये जगह, ये स्ट्रेच होने से ही बहुत जगह बन जाती है। सारी दिक्कतें जब सिजेरियन नहीं होते थे तो लेडी की ये चीज़ काटी जाती थी, बोन के बीच की जगह, बोन नहीं, बोन के बीच के जो फाइबर होते हैं, जैसे इसको काट दे तो ये खुल जाएगा ना। बहुत छोटी छोटी लड़कियों का डेवलपमेंट नहीं होता था अभी छोटी उम्र में, और शादी होगी किसी बड़े तो जीन्स के हिसाब से बेबी होते हैं, तो ये कट करते थे और फिर वो परमानेंट उसकी चाल ऐसी टेढ़ी मेढ़ी रहती थी। ये बता रही हूँ कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, कि अगर हम इसको खोल सकें तो डिलीवरी बेबी निकल ही जाएगा। लेकिन आज की डेट में फिर किसी ने बनाई, देखो ये 100 साल हो गए जब ये एक्सरसाइज बनाई किसी ने, आज तक फेमस नहीं हुई। एक मैं मुझे शौक चढ़ा है कि फेमस करनी है ये एक्सरसाइजेस। बटरफ्लाई तो सबको पता है, लेकिन हिलते बहुत हैं उसमें। हिलने से क्या होता है, आप ऊपर ही करे जा रहे हो, करो जैसे करते हैं आम, जैसे आपके नहीं, आप अगर औरों को देखते हो बटरफ्लाई कैसे करते हैं, ऐसे ऐसे ही फ्लिकर करते हैं, हाँ ऐसे करते रहते हैं ना। ये तो पहली स्टेज हो गई, आप इस कह के स्टिमुलेट कर दिया, हल्के हल्के करके स्टिमुलेट, फिर जो असली है वो दबाने वाली है, इससे आपके अंदर स्ट्रेचिंग होगी। बल्कि ऊपर बैठ के, अगर आप कुशन पे बैठ के करो और भी घुटने नीचे जाएं, तभी तो ये सारे जॉइंट्स खुलेंगे दोनों साइड के। और जो डिलीवरी में पेन होता है वो सारा इसी चीज़ का होता है कि आपका प्रेशर पड़ रहा है, और मतलब आपको दर्द हो रहा है कि वहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है जहाँ कभी पड़ा नहीं। अब अगर ये, जैसे मैं ये पहनती हूँ खासकर दिखाने के लिए, ये दिखाना, ये ऐसे स्ट्रेच होते हैं, जैसे ये है ना, ये गुथे हुए हैं, ऐसे ही हमारे फाइबर होते हैं, वो ऐसे ही स्ट्रेचेबल बनाए हुए हैं भगवान ने, वहीं से शायद आइडिया लिया होगा ये घड़ी बनाने का। समझ गए, जैसे ये गुथे हुए हैं ना फाइबर, ऐसे ही गुथे होते हैं, मतलब अगर स्ट्रेट लाइनें बनाएं तो ऐसे होते हैं फाइबर। जब ये स्ट्रेच होते हैं तो ये दूर दूर चले गए, और जब इकट्ठे हुए बाद में तो वापस आ गए, ओवरलैपिंग हो गई। जो मसल का सब अंदर फाइबर्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, ठीक है। तो जब ये स्ट्रेच होगा, हमारी कोनी मुड़ती है तो ये पीछे वाले स्ट्रेच होते होंगे तभी मुड़ जाती है ना, और आगे वाले इकट्ठे होते होंगे, तो ये कोनी का मान लो एक साइड है और ये दूसरी साइड है, तो यहाँ के तो हो जाएंगे इकट्ठे और यहाँ के हो जाएंगे स्ट्रेच, तो हमारी चीज़ ऐसे मुड़ जाएगी। तो ये फाइबर्स का ऐसे नहीं है कि कुछ भी एक दिमाग में रहता है, वहीं आ जाओ, दीवार के साथ अच्छी होती है, दीवार वाली भी सिखा दो।
फिर ये हल्की हल्की सिखा रही हूँ, लेवल वन वाली है तो ये लेवल टू भी, लेकिन इसमें ऐसा है कि प्रेशर ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा। लेट के सेम चीज़ जो बटरफ्लाई है दीवार के साथ भी कर सकते हैं। कई बार ऑफिस से आते हैं लेट ही जाते हैं, है ना, मतलब कि जो ऑफिस से आते हैं उनके पास इतना हिम्मत ही नहीं होती बैठने की, तो लेट के भी एक्सरसाइज करते हैं और पैर ऊपर करने से और अच्छा लगता है। बटरफ्लाई करो पहले। गुड मॉर्निंग रिया चौहान, उल्टा है नीचे, पेन के लिए एक तो विटामिन डी लगवाओ। बहुत लोगों के पेन हो रहा है क्योंकि विटामिन डी की कमी है बॉडी में, सबसे पहले तो ये लगाओ। फिर जब पहले दिन एक्सरसाइज करोगे, 6 महीने चलता है, एवरी 6 मंथ लगवाना पड़ता है, मैंने देखा है 6 मंथ्स के बाद भी करा करा के देखा है वैल्यू कम आती है। और जो लोग ओरली लेते हैं सैशे लेते हैं उनकी तो कम ही आती है, एब्जॉर्ब ही नहीं होता अच्छे से वो। हाँ ये पैर अंदर बाहर, ये सब लेवल वन है, इतनी तो बेयर मिनिमम सबने करनी है। ये उसको लगाओ, दीवार से लगाओ इसको, नहीं इस वाले घुटने को दीवार से लगाओ, इस घुटने को हाँ घुमा दो, ठीक है। अब दूसरी साइड से, हाँ जा ही नहीं रहा आपका, बिल्कुल भी नहीं जा रहा। हाँ जब नहीं हो रही तो पहले ये करनी है। चांदना मैम की क्लास ज्वाइन करो, वो धीरे धीरे बताती हैं कि अगर आपका नहीं हो रहा तो कैसे धीरे धीरे करना है, कहाँ तक धीरे धीरे पहुँचना है। ये करने से धीरे धीरे जॉइंट स्टिमुलेट हो गया है ना, थोड़ा थोड़ा उसको पता चल गया कि यहाँ पे काम होने वाला है, ब्लड सप्लाई शुरू हो जाती है। जब जा नहीं रहा रानी तुम्हारा, कौन सा मंथ है, कौन सा मंथ है, हाँ तो जाना चाहिए, अब तो अच्छे से करो आप। ये दीवार के साथ दूसरा जना करा सकता है, जब प्रेगनेंसी में तकिया कंधे के नीचे रखना है, सीधे नहीं लेटते हैं, ब्लड सप्लाई इवन जो आता है, बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मेरा ब्लड फ्लो कम आ रहा है डॉपलर में, ब्लड फ्लो कम आ रहा है, क्वेश्चन कहाँ है, ब्लड फ्लो यूट्राइन आर्टरी का, तो यूट्राइन आर्टरी क्या है, जब आप सीधे लेट गए वहाँ पे टेबल पे जाके, है ना, तो ये यूट्रस ऊपर आ गया, यहाँ आर्टरी पीछे है तो ये दब जाती है। आप एक कुशन लेके जाओ, यहाँ पे कंधे के नीचे कुशन दिखाओ ना कैसे रखते हैं, कुशन लेके जाओ और फिर दोबारा करा के आना 2 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते में 2 हफ्ते की ग्रोथ हो रही है तो फ्लो ठीक है, कम कैसे है, अगर 28 हफ्ते पे 28 हफ्ते का आया है तो फ्लो तो ठीक ही था ना, टेंशन ना करो, अगर आ भी गया है तो मोस्ट लाइकली ये यूट्रस से ही आर्टरी प्रेस होगी। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन रोज आ रही है कि मुझे आपको अपना अल्ट्रासाउंड दिखाना है, मुझे आपको अपना डॉपलर दिखाना है। अगर हमारा 28 वीक पे आई 26 वीक का रहा है और साथ में या तो हमें थायराइड है या ब्लड प्रेशर है, कोई प्रॉब्लम है, ग्रोथ नहीं हो रही, तब हमें सोचना है बार बार कराना है। अगर 28 वीक पे 28 वीक आ रहा है, कम से कम 3 हफ्ते बाद फिर दोबारा कराना, जल्दी नहीं, और कंधे के नीचे तकिया रख के ताकि ये स्लांट बन जाए, इसीलिए तो स्लांट करके सुलाते हैं, कंधे के नीचे तकिया रखना होता है, गर्दन ऑलमोस्ट बाहर गिरे, आजकल सर्वाइकल की वजह से बता रही हूँ, अदरवाइज किताबों में तो नहीं लिखा है इसे, कि सर्वाइकल की एक्सरसाइज होती है, सारे दिन हम आगे को झुकते हैं तो सोते वक्त ही कम से कम पीछे गिरा दें। ये देखो पहले भी हाथ का करो, हाथ का करो, हाथ में ये बांधना, इसके हाथ में बांधना, इतनी हल्की हल्की से तो बुजुर्गों की एक्सरसाइज होती है, यंग लोगों की नहीं होती। यंग लोगों को क्या फर्क पड़ता है इतना हाथ घुमाने से, यंग लोगों को भारी करनी होती है, जिनको रेस्ट बताया है उनको खासकर बता रही हूँ। मुझे लगता है अब तो रेस्ट वाली है ना, अब वजन पड़ रहा है ना, हाँ तो वजन हाथ में लेके, पानी की बॉटल हाथ में लेके फिर करनी है एक्सरसाइज।
प्रोलैक्टिन रेज्ड इन एक्टोपिक, नहीं नहीं, एक्टोपिक का और प्रोलैक्टिन का कुछ नहीं है, प्रोलैक्टिन से एग नहीं बनता अगर प्रोलैक्टिन रेज होता है, एक्टोपिक हुई है तो एग तो बना ही होगा, अगर जिसकी एक्टोपिक भी होगी उसका एग तो बनता ही है, उसके बाद 3 महीने का परहेज रखना है। आहा इसको दिखा, डंबल हाफ के जी के मंगाओ, बस गिर जाए तो ये पैर पे लग जाता है, और वो जो स्ट्रैप वाला है उसका गिरने का लगने का डर नहीं। पानी की बॉटल होती है ना, उससे भी कर सकते हैं, हाथ सुंदर रहेंगे। विदाउट स्लीव का तो फैशन ही खत्म कर दिया डिजाइनर ने, सबके लटके ये टोन्ड हाथ तभी रहेंगे, काम तो है नहीं हाथ का, है ना, मिक्सी जब से आई है बिल्कुल ही कोई काम नहीं। ये भारी लग रहा है, ये भारी नहीं है ऐसा, हाँ ऊपर नीचे कर लो बेशक, हाँ ऐसे ऊपर नीचे, ठीक है। अब ये हो गई हमारी लेवल 1 खेल खेल में हो गई एक्सरसाइज, ठीक है। अब लेवल 2 बटरफ्लाई की, उसकी तरह फ्रॉग वाली सी सेक्शन रानी जैसे पहले हो गए उसके हिसाब से सी सेक्शन के बाद रिकवरी होगी, जो पहले स्ट्रांग है वो सी सेक्शन के बाद जल्दी वापस आएगा, 5-7 दिन के बाद एकदम फिट हो जाते हैं, 1 हफ्ते बाद। ये फ्रॉग वाली, हाँ ये बहुत सुंदर कर रही है, बहुत सुंदर कर रहे हो आप, आगे हाथ रख के बताना फ्रॉग वाली, आगे आगे आना है आपने, ऐसे हाथ से आगे 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 आगे, इसमें कमर भी खींच रही है आपकी, है ना, ठीक है। अब पीछे ले जाके कमर उठाने वाली, पीछे ले जाके कमर ऐसे, दोनों लेग स्ट्रेट, और जो हमने पोज में की थी जिसमें हम ले करके दिखाओ, यहाँ पे सामने करके दिखाया करो ताकि पता चल जाए हम क्या कह रहे हैं। हाँ ये बैक की एक्सरसाइज बता रही हूँ अभी शुरू शुरू में, जिसमें ऊपर ही जा रहा है, अभी 5-6 मंथ हो गया, ऊपर ही जा रहा है, हमें नीचे कोई प्रेशर देना ही नहीं, और ऊपर ले जाना है ताकि आपको साइकोलॉजिकली ना लगे कि भाई कोई जोर पड़ रहा है। मैं मेरी सिस्टर 32 मैरिज, पॉलिप को तो निकालना ही पड़ेगा रानी, ये है कि एक बार और कहीं और से करा के देख लो है भी कि नहीं, कई बार ब्लड क्लॉट ही ऐसे लगता है पॉलिप है, अभी रिसेंटली एक था पॉलिप था, दोबारा ब्लड कराया अल्ट्रासाउंड तो नहीं निकला, ठीक है। हाथ और पीछे, इसके भी पीछे स्लिप कर रहे हाथ, हाँ अब कमर उठाना, ये कमर की पूरी की गर्दन की पूरी गर्दन, सारे दिन हम इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में बेंड होते हैं, जरूरी नहीं आपको पूरा ऐसे गर्दन भी गिराना, बस जैसे हिप्स जो पहली बार करेगा होती नहीं क्योंकि आप लोग तो डेली करते हो, बस थोड़ा सा उठेगा तो भी एक्सरसाइज है, नहीं उठेगा तब भी एक्सरसाइज है, आपका नहीं उठ रहा तब भी जोर लग रहा है, आज नहीं उठ रहा तो 4 दिन बाद उठने लगेगा, ठीक है। कोई अपने से जबरदस्ती नहीं करवा रही कि जबरदस्ती एक्सरसाइज करनी है, ये उठा लेंगे पीछे आएगा, सांस भरते हुए जाओ सांस छोड़ते हुए वापस आओ, सांस भरते हुए जाओ सांस छोड़ते हुए। आज इडली बनी है, आए नहीं लोग, आ जाओ अभी भी खाने को मिलेगी इडली, जो है सबसे अच्छा नाश्ता है, सबसे अच्छा गेहूं का कहते हैं सबसे बेस्ट नाश्ता है इडली, एक तो मोटा पीस होता है, मतलब दाने मोटे होते हैं सूजी के, मतलब आटे से सूजी अच्छा माना जाता है, और दूसरा वो स्टीम ही लगती है, कितनी कम आँच लगती है उसको, दही में मिलाया, दही भी अच्छी चीज़, सूजी भी अच्छी चीज़, प्रोटीन थोड़ा सा गया, थोड़ा सा ही गया चाहे आधी कटोरी गया, और उसके बाद उसको सिर्फ स्टीम लगी, डायरेक्ट आँच लगी ही नहीं। हमारा जो भी खाना है वो 70 डिग्री पे सेफ है डाइट, तो जब 100 डिग्री पे भाप बनती है तो ऊपर पहुँचते 80 तक ही रह जाती है, सिर्फ 70 डिग्री पे खाना डिस्ट्रॉय नहीं होता। जो हमारे बस ये नॉर्थ इंडियन का खाना बनाने का तरीका सबसे गलत है, इतना भूनते हैं उसको कचूमर निकाल देते हैं, वरना या तो स्टीम में बनती है या ग्रिल होती है, ग्रिल में क्या है एक मोटा पीस है आपको चारों तरफ से आंच लगी, सेंटर फिर भी रह गया उसका, बाहर से एक तो गंदगी के लिए भी नॉनवेज का तरीका है वो कि बाहर से कीटाणु जल गए और अंदर तक धीरे 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 हीट पहुंच गई, जस्ट पहुंची, ऐसा नहीं कि वो एकदम भुन गया, और 50% खाना कुक करके खा सकते हैं, ये नहीं कि बिल्कुल
देखा गया, रिसर्च हुई है कि 50% कुक किया आपने और 50% अनकुक खाया, फ्रेश खाया खरीद तोड़ के आई दिल्ली, लेकिन तोड़ के नहीं मिलता तो मार्केट से ये देख के कि यहाँ पे टूट के सीधे आया है, ये नहीं कि ये पहले कोल्ड स्टोरेज गया वहाँ से फिर आया है, या पहले इसको पकाने के लिए, केले को पकाने के लिए रखते हैं है ना, अखबार में लपेट के उसको पहले पकाने के लिए रखते हैं, तो उसके विटामिन धीरे धीरे कम हो जाते हैं। अब उसमें कैरोटीन वगैरह रह गया, येलो पिगमेंट रह गया, वो नहीं ख़राब होता, आयरन कैल्शियम रह गया, वो नहीं ख़राब होता, लेकिन फॉलिक एसिड और बी ट्वेल्व भी नहीं ख़राब होता, फॉलिक एसिड और बी सी, विटामिन बी और सी, वो ख़राब हो जाते हैं। उसके लिए हमें ताज़ा खीरा, टमाटर, स्प्राउट्स, ये सब खाना है। एक टॉपिक के क्वेश्चन दे दो मुझे, आज क्वेश्चन बताना है। एक टॉपिक के बाद 2-3 महीने ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी ना ही हो, उसके बाद हो जाए और कुछ नहीं। अगर सर्जरी में निकाल ही दिए फिर 2 महीने, और एक टॉपिक के लिए एक अल्ट्रासाउंड कराना है 10 डेज पे, जब +10 डेज हो गए, 10 दिन ऊपर हो गए, एक अल्ट्रासाउंड कराओ। एक टॉपिक है, इंजेक्शन आता है मीथोट्रेक्सेट, उससे सूख जाती है वहाँ। एक टॉपिक बड़ी कॉमन इसलिए लग रही है आजकल क्योंकि हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं और हमें पता चल जाता है, बहुत सारी एक टॉपिक खुद ही ग्रो नहीं करती। अभी रिसेंटली एक आया था पेशेंट, उसकी खुद ही नहीं ग्रो कर रही, बीटा एसजी कराया बिल्कुल 0 के आसपास आया, वो खुद ही नहीं ग्रो कर रही, वो एब्जॉर्ब होगी उसमें 2 महीने लग जाते हैं एब्जॉर्ब होने में, तो 2 महीने प्रेगनेंसी जहाँ पे भी होगी ना, ट्यूब में प्रेगनेंसी हो गई, उसको यूट्रस में आना था लेकिन यहीं पे सेटल हो गई, यहीं पे सेटल होगी तो एब्जॉर्ब सुखा दी हमने, इंजेक्शन सुखा दी, या खुद ही इसको यहाँ पे खुराक नहीं मिलती, ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, तो ये खुद ही ग्रो नहीं करती बहुत बार, तो सर्जरी हमेशा ज़रूरत नहीं होती। सर्जरी तो आपको पता ही ना लगी और 2 महीने हो गए, उसका साइज 2.5 सेंटीमीटर हो गया, 1 इंच से बड़ा हो गया ये, ऐसे कि अब तो फटी जाएगी अगर हम नहीं करेंगे, और इतने बड़े साइज में 2 मंथ्स ऑलमोस्ट 7 वीक्स से बाद, तो 7 वीक पे धड़कन दिखाई देती है। अगर यहाँ पे धड़कन दिखाई देने लगी है कि बाय चांस वो ग्रो भी कर गई है, नहीं करती है लेकिन किसी की कर भी जाती है, तब सर्जरी करनी है कि अब तो ये रप्चर हो जाएगी। रप्चर हो जाए तो यहाँ ब्लड ब्लड हो जाता है सारी अंदर, वो सही नहीं है, मतलब लाइफ थ्रेटनिंग भी है। लेकिन अगर साइज जो है 20 mm से कम है तो वो सूख जाती है इंजेक्शन से। बीटा एससीजी का भी है, अगर 7000 से कम है तब वो सूख जाती है। हमने सिर्फ एक बार सर्जरी करी अभी पिछले साल में, उसके धड़कन आ गई थी। अब पेशेंट ही कई बार ऐसे टाइम पे आता है कि मुझे पेन हो रहा है और अल्ट्रासाउंड किया तो धड़कन दिख रही है, फटाफट उसकी सर्जरी करी कि ये रप्चर ना हो जाए, अदरवाइज सब इंजेक्शन से ठीक हो रहा है। और +10 डेज पे करानी है। क्या क्वेश्चन? विटामिन डी नहीं मिल रहा, मिलता है, अब ढूंढना है, ऑनलाइन मंगा लो, ऑनलाइन आ जाता है, दूसरे नेम से मिल रहा है, दूसरा नेम अब दूसरा मुझे पता नहीं ना कि कौन सा अच्छा होगा, ऑनलाइन मंगा लो। फिश ऑयल कैप्सूल खा सकते हैं, ई कॉट करके आता है कैप्सूल, ई कॉट खाना चाहिए, जैसे स्पेशली जिनका वेट ज़्यादा है, घी सारा खाना हम कर रहे हैं, लो फैट ऑयल, लो फैट मिल्क कह रहे हैं हम, स्किम्ड मिल्क कह रहे हैं कि स्किम्ड मिल्क लो, तो उनको फिश ऑयल के कैप्सूल खा सकते हैं। ये क्या है, इतने छोटे कैसे निकला है? अगर वो 100 तक भी कोई, वो तो डेली डोज निकलेगी, ऐसा नहीं है कि हमने इंजेक्शन लगा दिया तो एकदम से ये 100 हो जाएगा, 26 से 30 होगा, 35 होगा, बस 50 तक मैक्सिमम जाएगा, उससे ज़्यादा फिर भी नहीं जाएगा, और हमारी जो रेंज है वो 100 है, तो इसमें तो आप अगर डेली जो 6 महीने बाद लगना है वो हर हफ्ते लगवा लोगे तब जाके गलती इतनी बड़ी ना हो, ओवरडोज होगी, अदरवाइज आपने 6 महीने की जगह 3 महीने बाद भी लगवा दी तो डेली डोज ही रिलीज होनी है ना, तो डबल ही होगी, पिछले वाली की भी हो रही, तो 3 मंथ्स बाद नहीं, ये 1 ईयर के लिए, लेकिन 6 मंथ्स के बाद मैंने देखा है फिर आ जाते हैं लोग वही सेम कंप्लेन करके कि वो दर्द हो रही है, और जितनी दर्द है 90% विटामिन डी लगाने से ठीक हो रही है, चाहे घुटने की है, चाहे गर्दन की है, चाहे कमर की है। हाँ, क्रैम्प्स भी होने लगते हैं और एकदम से हलचल होती है पैर में, ऐसे ना कि पैर पटक के मारो, अच्छा हो गए बता रहे हैं, बट क्रैम्प्स होते हैं पीरियड से पहले,
अब भी होते हैं, बाकी महीने के ठीक हो गए पीरियड से पहले, अब नहीं होते हैं, अब नहीं होते हैं। अच्छा, ओके, वेरी गुड, थैंक यू। ये हमारा फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मुझे तो पता ही है, मेरे तो ओपीडी में आते हैं, ऐसे पकड़ पकड़ के आई थी 36 इयर्स की, ये भी नहीं कि कोई बुजुर्ग लेडी थी, ऐसे स्मार्ट लेडी, उसका फार्म हाउस था, सब खाती पीती अच्छी है ना, अच्छे होते हैं खाते पीते, ये उन्हीं को कमी हो रही है जो धूप में नहीं निकलते। ऐसे पकड़ पकड़ के आए, पकड़ के लाए कि इससे तो चला भी नहीं जा रहा। मैंने उसको थायराइड लिखा, विटामिन डी का इंजेक्शन लगाया, थायराइड शुगर कराती हूँ, तीन चीज़ों में मेरे सब ठीक हो रहे हैं यंग एज में, और कोई इतनी बीमारी नहीं होती। थायराइड शुगर खाते पीते में शुगर ज़्यादा होती है तो कराया। एक दिन छोड़ के जब रिपोर्ट लेने आई, ठीक हो गई, मैं तो रिपोर्ट लेने में भी इसको इंटरेस्ट नहीं था। ऐसे बहुत केस है, कितने लोग मेरे एक साल बाद आते हैं, वो पिछले साल में आई थी, आई ये चीज़ थी, उनको याद नहीं रहता। मैं जब वो कहते हैं एक साल पहले आई थी, तो मैं फिर मुझे याद आ जाता है कि अच्छा एक साल के बाद अगर कोई आए तो विटामिन डी की ही डेफिशिएंसी थी जो तब ठीक हो गई। अभी तीन साल से तो मैं सबके लगा रही हूँ जो भी आता है, और मुझे मनाने में इतने टाइम लगता है, मानते नहीं ना, नहीं नहीं हम शॉर्ट कुछ और खा लेंगे, हम गोली खा लेंगे, तो मनाने में हमें 10 मिनट लगते हैं, और तुमने घर जाके अपनी मम्मियों को मनाने में 10 मिनट लगाने हैं। आप आके कह देते नहीं नहीं वो नहीं मानती, वो तो शॉर्ट्स खा लेते हैं, उससे खर्चा भी कितना है। एक बार इंजेक्शन सबको चाहिए, बच्चों को भी चाहिए, बच्चे तो धूप में फिर भी रहते हैं ना, जो लेडीज़ घर में रहती है, जेंट्स भी थोड़े बहुत धूप में निकल जाते हैं, लेडीज़ में बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन लड़कों को भी, हस्बैंड को भी। और ये सब मैसेज जैसे इसने भेजा है परमिंदर कौर ने, ऐसे औरों ने भी भेजा कि मेरे फादर इन लॉ लेटे रहते थे, अब उठ के सैर करने जाते हैं। आया उनको डिफरेंस, बैठे क्यों है, अंदर आओ, अंदर बुलाओ उनको, आ जाओ, अब हम खड़े होके करेंगे। ये हो गया लेवल टू, करा दो लेवल टू एक्सरसाइज। ये एक तो फ्रॉग वाली थी है ना, फिर से बता दो एक बार लेवल टू कौन कौन सी है। ये इसमें नीचे प्रेशर पड़ रहा है, तो ये मैं लेवल टू अल्ट्रासाउंड के बाद कहती हूँ, जब लेवल टू अल्ट्रासाउंड करा लिया उसके बाद बैठो, इसको भी उठाते हैं वहीं लेके, या यहीं आ जाओ, आप भी आ जाओ, इन एक्सरसाइज कराते हो। विटामिन डी से आपको कुछ हुआ, आराम मिला जो इंजेक्शन लगवाया, क्या यहाँ पेन होती थी वो भी ठीक हो गई? हाँ, ये दोनों की बताना, दोनों हस्बैंड वाइफ, इनका अच्छा नहीं हो रहा, एक साइड का हो नहीं रहा, दीवार वाली बताना, खड़े होके करो। अब ये भी लेवल टू है, खड़े होके इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, एक जगह करो, इधर सामने आ जाओ, सामने आ जाओ, इधर आ जाओ। तुम्हारा तो देखो कितना वेट ज्यादा हो रहा है, क्या उतना ही है, पहले कितना था? प्रेगनेंसी 60 से ज्यादा पे होनी नहीं चाहिए, हो रहा था, मैंने सर्वाइकल सर्कुलिस, ठीक है अब हो ही गया तो ठीक है ना। वैसे 25 ये जो सर्विक्स होती है ना, ऐसे ये इसको सर्विक्स बोलते हैं, ये 2.5 सेंटीमीटर होती है, 1 इंच, तब तक ठीक है, अगर इससे कम हो रही है तो लगा सकते हैं। इसके बाद जो है ना, आपने लेटे लेटे जो मैंने अभी लेवल वन बताई है वो करना है, 9th मंथ में भारी कर लेना, 9th मंथ में तो डिलीवरी होनी है, 9th मंथ में स्टिचेस निकलवा के फिर अपनी पूरी एक्सरसाइज करो, डिलीवरी हो जाएगी है ना, उसके बाद सिजेरियन की नहीं ज़रूरत है। यहाँ पे कॉल करके पूछना मुझसे, मैं देख रही हूँ कि पहले तो स्टिच लगाते हैं कि कहीं निकल ना जाए, और फिर सिजेरियन करते हैं, निकल जाएगा उसको क्यों सिजेरियन करना पड़ जाता है। इधर मैम, अगर तीसरा सिजेरियन है तो 9 मंथ तक सिजेरियन वेट कर सकते? हाँ जी, 9th मंथ तक तो वेट करने, स्कार थिकनेस देख लेते ना, अगर तो बहुत ही कोई रेयर केस होगा जो 9th मंथ से पहले, 9th मंथ भी 37 वीक पे आपने एक बार स्कार थिकनेस के लिए करवाना है। अगर स्कार थिकनेस ठीक है, मतलब 1 मिलीमीटर से ऊपर, 1.5 मिलीमीटर से ऊपर है, तो इसका मतलब ठीक है। तो कोई बात नहीं, वो कोई खींचने की जरूरत नहीं है, बस वो
इसमें जितना नीचे जाओगे उतना खींचेगी। ये घुटनों के लिए बहुत अच्छी है, मम्मियों को कराना है, वरना घुटने बदल, या तो गुल्लक लगा लो एक, उसमें 100 रुपये रोज डालते जाओ। नहीं नहीं, दोबारा कराओ अल्ट्रासाउंड, रिपीट कराओ, वो कई बार चेक करने में नहीं पता चलता। अगर बच्चे की मूवमेंट हो रही है तो 7 के ऊपर सब ठीक है, कई बार पानी फैला हुआ होता है, वो गिनने में नहीं आता। तो थोड़े दिनों बाद अगर कराओगे तो वो ठीक आएगा। अगर बच्चे की मूवमेंट हो रही है, पानी नहीं मैंने कम देखा कि मूवमेंट भी हो रही है और पानी कम हो गया। विटामिन डी फ्रोजन शोल्डर में भी काम करता है। हाँ जी, ना भी हो किस, कुछ भी ना हो तुम्हें, कुछ भी नहीं है, परफेक्ट हो, कोई दर्द नहीं है, तब भी विटामिन डी लगवाना है। ये नहीं कि हमने होने की वेट करनी है, पहले वो तो नुकसान होता रहेगा, जितने दिन विटामिन डी नहीं है खाया पिया लगेगा नहीं। अगर कोई तकलीफ नहीं है तो भी लगवाना है, तकलीफ है तो भी लगवाना है, एवरी ईयर वंस इन ईयर। अगर आप 20 मिनट या फिर धूप में रहना है, आपको 20 यूनिट धूप गर्मियों की चाहिए, समर वाली धूप में विटामिन डी ज़्यादा होता है। इसीलिए मैं धूप नहीं करती हूँ कि चलो जो चीज़ हमारे पास है वो तो हम पहले करती थी। अभी 3 साल से जब से ये स्टडीज आई हैं कि विटामिन डी की इंडिया में बहुत ज़्यादा कमी है, इंडिया पाकिस्तान जहाँ पे लोग धूप निकलते नहीं, धूप होते तो बचते हम लोग। ये खड़े होके करवानी है आपने, इसका एक पैर नहीं जा रहा, यही वाला ना, हाँ आप हाथ से कराओ, ये लेट के भी करानी है और खड़े होके भी कर सकते हैं। हाँ ऊपर करो, लोगों का जो भरतनाट्यम करते हैं कान से लग जाता है। इसमें इतनी भगवान ने, ये दूर सीधे खड़े हो, पैरेलल सौ बार तो करो, 100 टाइम्स तो करो, आधा घंटा तो करो, है ना, ये डिपेंड करता है आप फास्ट कर रहे हो तो। यही लेट के भी हस्बैंड को कहना हाथ लगाएंगे, तो ये जितना खुलेगा बेबी को उतना आराम मिलेगा, बेबी इससे निकल नहीं जाएगा। इससे कैसे निकल जाएगा, बेबी तो बच्चेदानी के अंदर है। ये तो हम बाहर बाहर एक्सरसाइज कर रहे हैं सारा, ये बोन के लिए, और यूट्रस तो कहीं अंदर है सेंटर में, ये हमारी जो पेल्विस है ये गोलाई बाहर है, इसके सेंटर में रखा है, इससे बाकी चीज़ें दब रही हैं। आगे ब्लैडर दब रहा है, पीछे इंटेस्टाइन दब रही है, इधर स्टमक दब रहा है, पेट है, इधर लीवर है, वो दब रहा है, यूट्रस से बाकी चीज़ें दब रही हैं, यूट्रस नहीं दब सकता, उससे पहले ब्लैडर दबेगा, आपको उसमें दर्द होगा। पानी पीना है, कई बार लोग सोचते हैं ना ब्लैडर भर ही नहीं पाता क्योंकि उसको जगह नहीं मिलती, बार बार यूरिन आता है, और इस चक्कर में अगर पानी नहीं पियोगे तो पानी की कमी हो जाएगी, उसी से परेशान रहोगे, घबराहट बेचैनी रहेगी, और दूसरे इन्फेक्शन होता है, आपस में परहेज रखना है ना, वो चला जाता है इन्फेक्शन। ठीक है, अब लेवल 3 कराओ, पैरों भार बैठ के इस पे बीन बैग पे बैठ जाओ, बीन बैग पे बैठ गए लेवल 3 भी हो रही है और आपको कुछ खास करना भी नहीं पड़ रहा। ये बीन बैग बहुत अच्छी चीज़ है, इस पे आप इस पे कराओ घुटना सामने बैठ के, पीछे कराओ, सामने बैठ जाओ और इसको पीछे कराओ, हाइट इसकी कम है, सुंदर डिलीवरी होगी, एग्जाम्पल हो गई एक कि कम हाइट वाले भी डिलीवर कर सकते हैं, बेबी चौड़ाई से निकलना है, जितना जॉइंट्स हमारा ये फ्लेक्सिबल होगा, ये दोनों के बीच में जितनी जगह होगी तो हमारा घेरा जो है ना, जो इतना बन रहा है ये इतना बन जाएगा, बेबी आराम से निकल आएगा। चूड़ी होती ना 2.25 इंच की होती, चढ़ती नहीं है, 2.5 इंच की होती चढ़ जाती है, वही बात है। हाँ, एक अपना साइन बना लो कि जब मैं कहूँगी तो रुकना है, ये भी नहीं कि इतना कर दें, ये इतना दम लगा दें कि आपके दर्द ही होने लगे बाद में। धीरे धीरे बढ़ानी है। हाँ छोड़ दो, ठीक है, अब भी 2 दिन में इम्प्रूवमेंट होगी प्रेगनेंसी में, जैसे जैसे एंड, इवन जिनका 9th मंथ है, जिनका आखिरी दिन है, अभी पेन शुरू हो गए, वो भी करेंगे, उनका भी फायदा होगा, क्योंकि जितने आखिर के दिन जाते जाते पहुंचते जाते हैं उतना हमारे रिलैक्सिन हार्मोन बनता है, वो बनता है इसलिए कि आपके जॉइंट सॉफ्ट हो, और इसीलिए पुराने ज़माने में भारी काम का मतलब था एक भैंस को अंदर लाना है, वो आना नहीं चाहती, आप लाना चाहते हो, है ना, उसको भारी काम, 100 किलो की बोरी इधर से उधर उठा के रखती थी लेडीज,
वो सब भारी काम है, कुएं से पानी भरते थे। कुएं से जब पानी भरते हैं हम 5 किलो भी 10 times 50 किलो हो जाता है, तो वो सब भारी काम फिर भी करती थी बेबी, फिर भी नहीं निकल जाता था, लेकिन उसको रेस्ट देने के लिए कह देते थे कि भारी काम नहीं करना। ये भी बताती है हमारे पहाड़ों पे जिसकी प्रेगनेंसी होती है वो घर में खाना कपड़े करती है, वो खेतों पे नहीं जाती है। तो भारी काम तो खेतों में होता है, घर में नहीं होता भारी काम। हाँ, पीस के खाते हैं सिलबट्टे पे, पीसने में भी कोई एक्सरसाइज नहीं हो गई। अगर आपने 2 मिनट पे वो पीस लिया, नहीं 2 मिनट पीसने भी काफ़ी नहीं है यंग एज में। हाँ, मसाले पूरा ही सारा काम हाथ से करो, कपड़े हाथ से धो, तब जाके थोड़े, अभी भी आप लोगों के शोल्डर गोल गोल हो रहे हैं, ये खड़े होने चाहिए, यहाँ पे बोन दिखनी चाहिए आगे की पीछे की, है ना। कॉलर बोन क्यों दिखाते हैं, क्योंकि वो ब्यूटी पॉइंट नहीं, वो हेल्थ का भी पॉइंट है कि हेल्दी है हमारी लड़की। पहले थायराइड नहीं होता था ना, थायराइड जो मोटे होते थे यूजुअली ये माना जाता था उनको थायराइड होगा, उनके बच्चे नहीं होते हैं, तो इसलिए वो ब्यूटी बना दिया। अब तो थायराइड हम टेस्ट करते हैं, थायराइड वालों के पूरे अच्छे से होती है, सब कुछ होता है उनका, जो अंदर बन रहा था हमें बाहर से मिल रहा है, खुश होके खाना है, कम नहीं। और प्रेगनेंसी हो गई तो डोज बढ़ाई जाती है। हाँ, ये ऐसे कराना है आपने, ये ऐसे करानी है इसकी, एक लाइन में आनी चाहिए, मतलब पूरा 180 डिग्री बनना चाहिए, एक लाइन दोनों पैरों की हो जाएगी, बहुत सुंदर डिलीवरी होगी। नहीं रानी, ये राइट ट्यूब जहाँ पे हुई, अगर लेफ्ट साइड में एक टॉपिक हुई दीपिका दीपशिखा, तो दूसरी ट्यूब खराब नहीं हो सकती, करने वाले ने कई बार दवाई बाहर ही गिर जाती है, दूसरी जगह दोबारा कराओ, मेरी पर्ची पे कॉल करो मुझे, मैंने नंबर अभी बताया था ना, नंबर तो हमने दिया ही होता है बहुत। ये हमारे टेक्नीशियन करते हैं, कई बार गिरा वहीं गिर जाती है, और हिप्स के नीचे तकिया लगाना चाहिए जब ट्यूब टेस्ट कराते हैं तो, क्योंकि वो बाहर गिरने की टेंडेंसी रहती है उसके, और अंदर इसलिए नहीं जा पाती दवाई, जहाँ दिखाई देती है कि ट्यूब में तो गई नहीं, वो ब्लॉक होगी ऐसा सोच लेते हैं। तो हिप्स के नीचे लेके जाना, तकिया लगाना है, और जब हम डॉपलर कराने जाते हैं, अभी मैंने बताया उनके अगर फ्लो कम आता है तो कंधे के नीचे तकिया लगाना है, जैसे आप लेटते हो टेबल पे, ये टेबल पे लेटे, यहाँ पे कंधे के नीचे, यहाँ पे ब्लड वेसल दब जाती है और फ्लो कम आ जाता है। अगर ग्रोथ ठीक हो रही है तो फ्लो भी ठीक ही होगा, 99% चांसेस यही हैं, है ना। और फिर लेफ्ट साइड करके रेस्ट करना है, रेस्ट भी अच्छे से करना है, कई बार सो ही नहीं रहे आजकल लोग, या तो थायराइड निकलेगा, शुगर वाले का बाहर ही निकलेगा बेबी, थायराइड वाले का छोटा निकलेगा, अगर ये ठीक है तो बेबी ठीक ही रहता है, और नींद आपकी पूरी होनी चाहिए, है ना। वेट आपका 1 kg पर मंथ बढ़ रहा है, बच्चे की मूवमेंट हो रही है, ये सब अपने होम टेस्ट हैं। एक दूसरी चीज़ है, हमारी पल्स बड़ी हाई आ रही है, पल्स लेस देन 100 होनी चाहिए, 99 100 नहीं टच करनी चाहिए पल्स, आईज आपकी वाइट होनी चाहिए, अगर आपको शुगर होगा थायराइड होगा आईज भी साफ़ नहीं रह पाएंगी, आपकी डाइट में कमी होगी, आईज भी साफ सोओगे नहीं, मतलब आईज वाइट है मींस बेसिक आपका खुराक अंदर बच्चे को भी लग रही है ना। देखो इन दोनों की सबकी कितनी अच्छी वाइट आईज है आज, जो अच्छा खाते हैं तो अच्छी होती चली जाती है, देखा आप लोगों ने अच्छी होती चली जा रही है। यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है, इधर नहीं उधर, जहाँ से स्ट्रेच करोगे वहीं पड़ेगा। हाँ, थोड़ा हल्का तो करो, और इसको जाने दो, पैर को आगे जाने दो, स्ट्रेच हो जाएगा ना जब। इससे घुटने भी ठीक रहेंगे, घुटने हमेशा अंदर को मुड़ते हैं, आप आओ इसे बताती हूँ, ये घुटने हमेशा इधर को बेंड होते हैं ना, आप चौकड़ी मारते हो तो इधर बेंड होते हैं, ऐसे बेंड होते हैं हमेशा, ऐसे तो कभी जाते नहीं है, घुटनों को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं होती, तो ये एक्सरसाइज आपके लिए भी अच्छी है, ये जो खड़े होके करवाया हूँ। अब level 3 में डकलिंग वॉक करो, अब level 3 डकलिंग आगे चलना है, पकड़ो उनको, पकड़ के चलाओ, चाहे खुद चलेंगे। आप खुद चलोगे तो ज्यादा स्ट्रेच होगा वो, ठीक है। तुम्हारे कौन सा मंथ है? बस
चलो बैठना शुरू करो, बैठना शुरू करो, राउंड में चलेंगे घर में, राउंड में कमरे से किचन जा रहे हैं। नहीं, थायराइड शुगर भी टेस्ट कराओ नकुल। हाँ, सर्कलाज वाली प्रॉब्लम बहुत रेयर है, थायराइड शुगर कराओ, एस्प्रिन दे देते हैं कई बार, उसकी वजह से अबॉर्शन हो रहे हैं आजकल, उसकी वजह से और ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। जिनके अबॉर्शन होते हैं उनको एप्ला टेस्ट कराओ, अगर एप्ला पॉजिटिव आए तब एस्प्रिन देनी है, अदरवाइज एस्प्रिन की ज़रूरत नहीं है। और अगर एस्प्रिन लेनी भी है तो जितना वेट है उससे ज़्यादा नहीं लेनी है, अगर 60 वेट है तो 60 मिलीग्राम ही लेनी है, अगर 75 है तो 75 लेनी है, 150 तो बहुत ज़्यादा हो जाती है कई बार, डबल लिखा है किताबों में 150, लेकिन मैंने देखा है कि 150 वालों की तो ब्लीडिंग होकर ही अबॉर्शन हो रहे हैं बार बार, ज़रूरत है नहीं और हम दे रहे हैं। आ जाओ डाइट की बनाते हैं दूसरी।